अमर मणि त्रिपाठी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा बाहुबली नाम। उसकी रिहाई की खबर जब बीते रोज वजूद में आई तो उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़े बदलाव की अटकलें भी लगने लगी। जेल से बाहर उनके कदम यूपी की सियासत में किसको फायदे और किसको नुकसान पहुंचाएंगे, इस तथ्य पर हर सियासी जानकार की नजरें हैं। एक समय था जब पूर्वी यूपी में उनका हासा रसूख था। यूपी की राजनीति में वो कभी सपा तो कभी बसपा और कमल के फूल के साथ रहकर सत्ता का सुख भोगते रहे, लेकिन मधुमिता हत्याकांड के बाद उनके सितारे गर्दिश में जाते चले गए। अमर मणि त्रिपाठी ने अपनी राजनीति की शुरुआत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से की थी, लेकिन इसके बाद वो कांग्रेस के साथ आ गए। कांग्रेस के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी को अपना राजनीतिक गुरु बनाया और उनसे राजनीति के गुर सीखे। राजनीति में आने से पहले वो अपराध की दुनिया में एंट्री कर चुके थे। उन पर हत्या, लूट और मारपीट जैसे कई मामले दर्ज थे। कुछ ही समय में अमर मणि त्रिपाठी ने पूरे इलाके पर दबदबा कायम कर लिया। अमर मणि त्रिपाठी ने साल 1996 में पहली बार महाराजगंज की नौतनवा विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद वो लगातार चार बार इस सीट से विधायक रहे। 1997 में वो कांग्रेस को छोड़कर लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और फिर कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री बन गए। साल 2001 में बस्ती के एक बिजनेसमैन के बेटे के अपहरण मामले में उनका नाम आया तो बीजेपी ने उनसे किनारा झाड़ लिया। इसके बाद 2002 में अमर मणि त्रिपाठी बसपा के साथ आ गए और उन्हें नौतनवा सीट से फिर टिकट मिल गया और इस सीट पर ज्यादा ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या होने का उन्हें फायदा भी मिल गया और वो चुनाव जीत भी गए। 2002 में मायावती की सरकार बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, लेकिन 2003 में वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए और मायावती की सरकार गिरवा दी। माना जाता है कि इसमें अमर मणि का हाथ था। इसके बाद राज्य में मुलायम सिंह की सरकार बनी और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। साल 2003 में कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के बाद उनके जीवन में ऐसा भूचाल आया कि वो उससे उबर ना सके। मधुमिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच में ये मालूम हुआ कि उस समय वो गर्भवती थी। डीएनए जांच में बच्चे के पिता के तौर पर अमर मणि त्रिपाठी का नाम आया। साल 2007 में उन्हें इस मामले में दोषी पाया गया और अदालत ने उन्हें आजीवन कैद की सजा सुनाई। जेल में रहकर उन्होंने अपने बेटे अमर मणि त्रिपाठी को भी विधायक बनाया। कई बार उन पर जेल से ज्यादा अस्पताल में समय बिताने का आरोप लगा। बहरहाल दोस्तों, आप अब क्या सोचते हैं? अमर मणि का जेल से बाहर आना यूपी की सियासत में किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचा सकता है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम सियासी खबरों की डिटेल्ड अपडेट के लिए TV9 YouTube चैनल की ओरिजिनल्स प्लेलिस्ट से जुड़े रहें।